Wait. नमस्कार, सिडनी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से पूरे देश के छात्रों को किया संबोधित। जमशेदपुर के कॉलेजों में भी हुआ लाइव टेलीकास्ट। जमशेदपुर में ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया विशेष अभियान, जब्त की गई कई गाड़ियां, कईयों को स्पॉट फाइन। आदित्यपुर खरकई पुल के पास वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। और राज्य भर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अस्थायी शिक्षकों ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से पूरे देश के छात्रों को संबोधित करने का काम किया। जी हां, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर के सभी कॉलेजों में प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन दिखाने की भी व्यवस्था की गई। जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के संबोधन को छात्रों को सुनाया गया। गौरतलब है कि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत के छात्रों को संबोधित किए थे। प्रधानमंत्री को भारी संख्या में छात्रों ने सुना और उनसे सीख ली। छात्रों ने कहा है कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने छात्रों में नए ऊर्जा भरने का उस समय काम किया था, आज प्रधानमंत्री ने भी छात्रों को संबोधित कर उसी प्रकार का ऊर्जा भरने का काम किया है। आज का कार्यक्रम युवा भारत और नया भारत का कार्यक्रम रखा गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, जो कि दिल्ली में होने वाला है। इसमें देश भर से छात्र जुटने वाले हैं और एक नई पीढ़ी को ऊर्जावान शक्ति मिलेगी, जो कि आज हमारे सभी विश्वविद्यालयों में आज का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक भाषण के तहत बहुत ही ऊर्जावान शक्ति को प्रेरणा दी थी। एक छात्र के रूप में, एक नेता के रूप में आंदोलन हुआ था। आज उसी की 125वीं जयंती के तौर पे आज सभी कॉलेज में, सभी विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर ट्रैफिक विभाग द्वारा सोमवार को नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करने वालों पर गाज गिराया गया। जी हाँ, इस दौरान कईयों की गाड़ियों को जब्त किया गया और कईयों को स्पॉट फाइन भी लगाया गया। ये अभियान जमशेदपुर के ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान बिस्टोपुर वोल्टास बिल्डिंग से लेकर पूरे बाजार इलाके में अभियान चलाया गया। वैसे इन दिनों दुर्गा पूजा के मद्देनजर शहर के सभी प्रमुख बाजार इलाकों में भीड़ की स्थिति है। चूंकि बाजार में लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं और अपनी गाड़ियों को सड़कों के किनारे ही पार्क कर रहे हैं, जिससे मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के मद्देनजर जिला ट्रैफिक विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया। ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि जो स्पॉट फाइन दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों को फाइन लेकर छोड़ा जा रहा है और बाकी गाड़ियों को जब्त कर थाने भिजवा दिया जा रहा है। वहीं इन्होंने कहा है कि इसे लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में भी चलाया जाएगा। जो फाइन दे रहे हैं उनको छोड़ दे रहे हैं, जो नहीं फाइन दे रहे हैं उनकी गाड़ियों को हम लोग उठवा रहे हैं। अमाउंट क्या रखा गया फाइन? उन लोग पार्किंग में जो फाइन चुकाए हैं उसके साथ। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदित्यपुर खरकई पुल से सटे वन विभाग की जमीन एएसआई अपार्टमेंट द्वारा वन भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में किए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। अपार्टमेंट के प्रोपराइटर विकास नागोलिया द्वारा वन विभाग के वन भूमि पर की घेराबंदी करते हुए चारदीवारी का निर्माण किया गया था। वन विभाग द्वारा लगातार अवैध निर्माण हटाने से संबंधित नोटिस भी दिए जाने के बावजूद बिल्डर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद में पूरे मामले की शिकायत की गई। इधर शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी अवैध निर्माणों को तोड़ दिया। वहीं कार्रवाई को लेकर मजिस्ट्रेट के तौर पर गम्हरिया के अंचलाधिकारी कामिनी कौशल लकड़ा को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके साथ ही नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस बल भी कार्रवाई के दौरान तैनात रहे। बताया जाता है कि बिल्डर द्वारा वन भूमि और सरकारी भूमि का अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था, जिसमें 3 एकड़ सरकारी भूमि पर निर्माण किया गया, जबकि बिना नक्शा पास कराए ही 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिसे नगर निगम द्वारा पूर्व में ही सील कर दिया गया था।
हाँ, ये BPL केस खोला गया है विकास नगोलिया के नाम से जी। और मुख्यमंत्री जनसंवाद से हम लोग को प्राप्त हुआ था शिकायत कि ये इनके द्वारा अनाबाद बिहार सरकार की जमीन और वन विभाग की जमीन में अतिक्रमण किया गया है। तो जब जांच किया गया तो उससे ही पाया गया, फिर हम लोगों के द्वारा BPL केस खोलते हुए इनको नोटिस इशू किया गया। दो नोटिस में इनको पेपर सबमिट करने के लिए बोला गया लेकिन इनके द्वारा पेपर सबमिट नहीं किया गया, तो फाइनली फिर हम लोग इसको डेट देते हुए आज के तारीख का इसको हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। कितना जमीन है? कितना जमीन है? वन भूमि प्लस अनाबाद बिहार सरकार दोनों की जमीन। और इधर राज्य भर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में सरायकेला जिले के गम्हरिया और आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक हड़ताल पर चले गए। राज्य भर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में गम्हरिया स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और आदित्यपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अस्थायी शिक्षकों ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए कार्य बहिष्कार किया है। अस्थायी शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। बात करें यदि गम्हरिया और आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो यहां कुल 65 अस्थायी शिक्षक हैं जिनके हड़ताल पर रहने से शिक्षण व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है। इधर पूरे राज्य भर में कुल 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिनमें कार्यरत 265 अस्थायी शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। नई नीति बनाई है जिसमें संविदा पे नए शिक्षकों को, नए लेक्चरर को यहाँ पे अपॉइंट करने जा रही है, और ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ये कैंपस के द्वारा हो रहा है, और इस अपॉइंटमेंट के द्वारा हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जो हम लोग यहाँ पे करीबन 3 साल से लेके 20-22 साल तक, जैसे मेरा करीबन 22 साल हो गया एक ही जगह पे कार्य करते हुए, हम लोग को बेरोजगार करके, जब हमारा एज निकल गया है अपॉइंटमेंट का, तो हम लोग को बेरोजगार करके और नए लोगों को यहाँ पे लाए जा रहा है। इसी का हम लोग विरोध करते हुए आज हड़ताल पे शनिवार से बैठे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 66वीं वार्षिक आम सभा विपक्ष का आरोप और हंगामे के बीच संपन्न हुई। कई नए प्रस्ताव उद्यमियों के द्वारा दिए गए जिस पर नई कमेटी अपना काम करेगी। विष्णुपुर स्थित चैम्बर कार्यालय में वार्षिक आम सभा का आयोजन वर्तमान कमेटी के द्वारा किया गया। इसमें कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे। विपक्ष के द्वारा हंगामा करने के बाद पूरा चैम्बर भवन व्यापारियों की आवाज से गूंजता नजर आ रहा था। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। हंगामा होता देख चुनाव पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। कई उद्यमियों के द्वारा वार्षिक आम सभा में नए प्रस्ताव के रूप में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई कंपनियों को इस क्षेत्र में लाने की पहल सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये टेक्निकल मैटर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इलेक्शन के बाद जो सुलझाएंगे। हम यहाँ उलझाने के लिए नहीं है, यहाँ सुलझाने के लिए है। चैम्बर में जितनी प्रॉब्लम होगी हम सबको सुलझाएंगे बैठ के, ये हमारे घर की बात है और हम लोग इसको सुलझाएंगे बैठ के। पर इलेक्शन के बाद 20 वर्ष किसी ना किसी जिम्मेदारी जो चैम्बर द्वारा दी गई, जिसे मैंने अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 24/7 रात दिन धूप और वर्षा की परवाह किए बिना व्यापारिक और उद्योग हित में कार्य किया। चैम्बर की गरिमा हम सबों पर निर्भर है, और फिर चैम्बर उसी शक्ति से हम सबों को छाया भी प्रदान करती है। सबको मैंने पकड़ पकड़ के चैम्बर का मेंबर बनाया, उसमें मैंने कहीं भी यह नहीं समझा कि यह इस जात का या उस जात का। मैंने ईमानदारी पूर्वक, आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, आप चैम्बर वाले, चैम्बर आपके लिए। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य
हस्तरेखा विशेषज्ञ वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 एंड 7992374619। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कटिन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्ण शास्त्री श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर में आए हैं। श्री साईं बाबा के उपासक का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देख करके दिल की बात बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्या का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, विद्या, स्वास्थ्य, शत्रु से मुक्ति के लिए मिले। स्वामी जी द्वारा नेता, अभिनेता, उद्योगपतियों ने लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है, वो एक बार अवश्य मिले। पहली मुलाकात में समाधान होगा, इसका लाभ उठाएं। मिलने का पता, जीके अपार्टमेंट, निचला तल्ला, नरबीराम हंसराज इंग्लिश स्कूल के नजदीक, गोपाल मैदान के पास, तुलसी भवन के पीछे, बिष्टपुर, जमशेदपुर। समय प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुल्हान प्रमंडलीय आयुक्त ब्रजमोहन कुमार ने डीसी कार्यालय में एमजीएम अस्पताल के मुद्दे पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त के अलावा डीसी, विधि व्यवस्था एडीएम, सिविल सर्जन, एमजीएम अस्पताल अधीक्षक, भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता, पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त ने 48 घंटों के अंदर एमजीएम अस्पताल में नव निर्मित भवन में चिल्ड्रेन और वार्निंग वार्ड शिफ्ट करने का आदेश दिया है।
साथ ही ब्लड की उपलब्धता की भी बात कही है। बैठक में तय किया गया है कि 6 अक्टूबर में रेड क्रॉस सोसाइटी में मेगा रक्तदान कैंप लगाकर एकत्रित ब्लड बैंक में रखे जाएंगे। ये पूरा चीज आप देखिएगा, ठीक है, और इसकी स्वीकृति आप कराएंगे। प्लेटलेट्स नहीं होने के कारण यहाँ ब्लीडिंग में परेशानी हो रहा है, ठीक है। और ये आप और इधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करने को लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में रैली निकाली गई। यह रैली विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चों ने निकाली। रैली पूरे बिष्टुपुर में भ्रमण करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का संदेश छात्रों ने लोगों को दिया। इस रैली का उद्घाटन जिला ADM सुबोध कुमार ने किया। ADM सुबोध कुमार ने कहा कि स्कूल के बच्चों ने जो स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के सभी लोग अगर स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। स्कूली बच्चों के माध्यम से एक छोटी सी रैली निकाली गई है जो स्वच्छता के संबंध में है। आप मालूम है अभी स्वच्छता ही सेवा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम अभी पूरे देश में चल रहा है, चलने वाला है ना। उसमें जिला प्रशासन के भी विभिन्न प्रोग्राम अगले 2 अक्टूबर तक चलेंगे, तो उसी में जो निजी संस्थाएं हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये अच्छा काम है। और बच्चों के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था और इसी में मैं यहाँ पे आया। और इधर झामुमो महिला मोर्चा नगर कमेटी द्वारा MGM अस्पताल में व्याप्त गंदगी को दूर करने तथा इसके ठेकेदार को बदल ले जाने की मांग अस्पताल के अधीक्षक के समक्ष उठाई गई है। इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अस्पताल अपने दुर्दशा के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। झामुमो महिला मोर्चा के अनुसार पिछले दिनों अस्पताल में कई बच्चों की जान गई है, काफी हद तक उसका कारण अस्पताल में व्याप्त गंदगी भी है। इन्होंने कहा है कि अस्पताल के द्वारा जिस ठेकेदार को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके द्वारा अस्पताल में सफाई नहीं की जाती और अस्पताल में गंदगी पसरा रहता है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई है कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और सफाई ठेकेदार को निरस्त किया जाए। बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। हमें ये सुपरिटेंडेंट से यही हम लोग मांग करने आए हैं कि लगातार इसी ठेकेदार को बार बार दे रहा है, इसका कारण क्या है। और यहाँ की साफ सफाई तो इतना बदतर है, पेशेंट तक वहाँ जाने के लिए मुश्किल हो जा रहा है। अगर सफाई से ही नहीं रहेगा तो फिर बीमारी का जड़ तो खत्म होगा ही नहीं। और इसी वजह से इतना जो बच्चे मरे हैं वो कारण यही है कि आखिर आप उसी ठेकेदार को बार बार क्यों देते हैं। हम ये मांग करने आए हैं कि अविलंब उस ठेकेदार को हटा दिया जाए। इधर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के ANM व GNM ने अपने अस्थायीकरण की मांग को लेकर खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रही ANM और GNM का कहना था कि सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हम लोग ANM GNM कर्मचारी अनुबंध कर्मचारी हैं जो 10 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। और ये सरकार से एक बार नहीं कितने बार हम लोग वार्ता किए, उनसे क्रमबद्ध तरीका से हम लोग लड़ाई लड़े और शीर्ष मंडल बनकर भी हम लोग वार्ता किए, लेकिन हम लोग सरकार तरफ से बहुत उदासीनता रवैया रहा जिसके चलते आज हमें हड़ताल भी उतरना पड़ा। आज हम धरना में बैठे हैं आज 11 तारीख को और 4-10 को हम सचिवालय घेराव करेंगे और 10 को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे हैं नियमित करना और समायोजन करना। हमें समायोजन होना चाहिए क्योंकि विगत 10 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि क्वाली पंचायत के हरिड़ी गांव के राशन कार्ड धारियों ने राशन नहीं मिलने के खिलाफ DC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्ड धारक मानव कर्मकार ने आरोप लगाया है कि सरकारी राशन दुकानदार पिंटू सरदार पिछले 4 महीने से राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी सरकारी राशन दुकानों में राशन मिल रही है। उन्होंने बताया कि राशन नहीं मिलने के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी
भादव महीने हम लोग जानते हैं और उसी में से सबके हम लोग का रोजगार का कोई साधन नहीं है और बहुत कोई भूखे है। जैसे यहाँ देखिए अंधा एक है, ये भी इसको भी 3 महीना से नहीं मिला है, ये बेचारा क्या करेंगे, इसको इधर उधर से उधारी जो मिलता है लेकिन अभी तक खाने का नहीं मिला है। दुकान हारीडी गाँव है, क्वाली पंचायत क्वाली थाना भी है। कितना महीना हो गया हम लोग का? 3 महीना से लगातार कंटिन्यू नहीं मिला है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसको 2-3 बार इसका सूचित भी किया गया है कि आप लोग देखिए आप इस तरह का नहीं कर सकते, हम लोग सोचे रूप से राशन देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर आपका फिर हम लोग आपको बर्खास्त करने के कुछ हम लोग आप लोग जितना खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मूड करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था, श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेसिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है किंतु कोनो साफल्य पाई नहीं। जब थे महादेव बाबू का गेसि तब थे अनेक साफल्य लाभ इस मेरे बीए ऐसे चाकरी सब कुछ तो अनेक ठीक ठाक, उन्नी जे भाव प्रेसक्राइब कर
सफल रह सके। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको आदित्यपुर साक्षी सोनारी मानगो गोलमुरी, मोबाइल नंबर 9874826809430 9430715730 9709052086। अरे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? यही सोच रहे हैं ना सभी? अरे और कौन? इंडियाज फेवरेट फैमिली शॉपिंग डेस्टिनेशन पैंटालून्स आ रहा है 9 सितंबर एट हाईटेक सिटी सेंटर मॉल बिष्टुपुर में। आप आ रहे हैं ना? पैंटालून्स इन लव विद फैशन इन लव विद जमशेदपुर। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाए फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत पत्र, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657243816 9431136 9835512। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में भाजपा जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रांची आगमन को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगामी 15 सितंबर से 17 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश भाजपा कमेटी द्वारा कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सरायकेला जिला कमेटी द्वारा भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसे लेकर एक बैठक का आयोजन सरायकेला सर्किट हाउस में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश 20 सूत्री के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना पर भी चर्चा की गई। और यहाँ आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र पद्मन की हत्या के खिलाफ विभिन्न संस्था के लोगों ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हरियाणा गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युमन ठाकुर हत्याकांड पर पूरे शहरवासी मरमाहत हैं। सोमवार को भारतीय भोजपुरी संघ की ओर से आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन मामले का लीपापोती करने में जुटी हुई है। स्कूल प्रबंधन की एक महिला अधिकारी का सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई है। सरकार का दबाव प्रशासन पर है। की गई पद्मन की, वो हमारे जमशेदपुर का रहने वाला था और इस पूरे घटना से जमशेदपुर वासी भी पूरी तरह से मरमाहत है। भारत वासियों के साथ हम लोग भी कंधा से कंधा मिला करके उसके न्याय की बात करते हैं। इस पर लीपापोती करने पर उतारू है। हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि उस स्कूल प्रबंधन का मैनेजमेंट जो मालिक है वो एक सत्तारूढ़ दल से जुड़ी हुई महिला है, जो एक सम्मानित पदाधिकारी है उसकी, और सत्ता मिल करके शासन प्रशासन को दबाव बना करके इस पूरे घटना को लीपापोती करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ छोटा गोविंदपुर ललित नारायण शिक्षा सांस्कृतिक संस्थान की ओर से भी डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। संस्थान के अध्यक्ष पीएन का कहना था कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराएं और दोषी को फांसी की सजा दी जाए। जो निर्मम हत्या हुई है दिल्ली में स्कूल में, उसको मैं चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उससे फांसी से कम की सजा की मांग नहीं करता हूं। मैं यहां डीसी साहब के द्वारा
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेटर सौंपने जा रहा हूँ। अब यही डिमांड मेरा है कि जो भी सही निकले डिकर्स, क्योंकि उसको बना के लाया गया है कंडक्टर को, उस कंडक्टर से कोई संबंध नहीं था, बच्चा जो है खुद ले जाते थे, खुद लाते थे, उस बस में नहीं था, उसको मोहरा बुना के लाया गया है, लेकिन ये गलत है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। डीसी साहब के माध्यम से क्या लिखा गया, राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रद्युम्न ठाकुर, जिसकी निर्मम हत्या दिल्ली में रैन इंटरनेशनल स्कूल में कर दी गई है, उसके हत्यारों को उचित सजा मिलनी चाहिए। उसकी हत्या की सीबीआई जांच और प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए और जो निर्दोष को पकड़ा गया है उस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। और इधर जमशेदपुर में पीएमकेवीआई की ओर से धतकीडी सामुदायिक भवन में एक दिवसीय कौशल मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व सांसद सुमन महतो भी मौजूद रहीं। अपने संबोधन में जेएमएम विधायक ने कहा कि कौशल विकास से रोजगार मिलेंगे और बेरोजगार हुनरवार होंगे। सबसे पहले उनके नेचुरल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो क्या करना चाहती हैं, किस में वो ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर उस पे हम उन्हें वर्क ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इन सारी टेक्निकल स्किल्स के साथ जो दो स्किल्स हम सबको शायद ये प्रोग्राम आपको सिखाए कि नहीं सिखाए, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा उन दो स्किल्स को अपने जीवन में लाने की। वो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी है सोशल स्किल्स। हम टेक्निकली कितने भी साउंड हो, अगर इफ वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवर टेक्निकल स्किल, हाउ टू एक्सप्रेस आवर टेक्निकल एक्सपर्टीज, इट इज ऑफ नो यूज। और यहाँ आपको बताते चलें कि सीटू से संबद्ध बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के राज्य कार्य समिति के सदस्य समीर तारण मुखर्जी ने बताया है कि दवा कंपनियों पर कार्रवाई करने का कोई कानून नहीं रखने के कारण कंपनियां मनमानी कर रही हैं। एमआर को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। उन्होंने जानकारी दी है कि 12 अक्टूबर को रांची में श्रम कार्यालय पर तथा 13 नवंबर को मुंबई में प्रदर्शन किया जाएगा। जितने भी जिले हैं सारे जिले में झारखंड में किया जा रहा है और इसमें हमारा मांग है न्यूनतम मजदूरी या फिर विक्रय प्रोत्साहन अधिनियम, ग्रीवांश कमेटी का फॉर्मेशन, जो कि सारा कानूनी प्रावधान है, ये सारे कानूनी प्रावधान को सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इस कारण से कंपनियां इसकी उल्लंघन करती है। इसके उल्लंघन पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, जिसकी हम लोगों ने मांग किया है कि कारावास का सजा दिया जाए। आने वाले 12 अक्टूबर को झारखंड के रांची में हम श्रम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे और 13 नवंबर को तमाम देश की मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं मांगों को लेकर मुंबई में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। और इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जातीय आरक्षण के विरोध में निकाली गई रथ यात्रा जमशेदपुर पहुंची, जिसका स्वागत झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा किया गया। मानगो के डिमना चौक से झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में पहुँच कर समाप्त हुई। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से पूरे देश के छात्रों को किया संबोधित, जमशेदपुर के कॉलेजों में भी हुआ लाइव टेलीकास्ट। जमशेदपुर में ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया विशेष अभियान, जब्त की गई कई गाड़ियां, कईयों को स्पॉट फाइन। आदित्यपुर खरकई पुल के पास वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। और राज्य भर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अस्थायी शिक्षकों ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।